दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बेशक हरियाणा में माहौल कांग्रेस के पक्ष में बताया जा रहा है, बावजूद इसके कांग्रेस की भी कई परेशानियां हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और जिनके चलते टिकटों की घोषणा में भी देरी हो रही है और कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव न होना, जिला स्तर पर गठबंधन का कोई चुनावी संगठनात्मक चुनाव ना होना, जिला प्रधान का ना होना, ब्लॉक प्रधान का ना होना और इसके चलते बूथ लेवल पर भी कार्यकर्ताओं की कमी का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। यानी लब्बोलुभाव ये है कि जहां भाजपा संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत दिखाई देती है, हर बूथ पर वो मजबूत दिखाई देती है, उनके कार्यकर्ता हैं जो चुनाव जिताने में और उम्मीदवारों के लिए वोटर्स को बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, 11 साल हो गए कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए, और क्यों नहीं हुए? बड़ी सीधी सी बात है कि कांग्रेस में भारी फूट है, गुटबाजी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कई प्रदेश अध्यक्ष आए और चले गए, अशोक तंवर आए और चले गए, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुत मेहनत से काम भी किया, लेकिन संगठनात्मक चुनाव गुटबाजी के चलते वो भी नहीं करा पाए। उसके बाद कुमारी शैलजा भी प्रदेश अध्यक्ष बनी और काफी दौड़ के बाद, पूरे हरियाणा का दौरा करने के बाद, मशक्कत के बाद शैलजा गुट और हुड्डा गुट में 36 का आंकड़ा चलते हुए हाई कमान भी संगठनात्मक चुनाव कराने में नाकामयाब रहा। लेकिन जब हरियाणा प्रभारी बावरिया जी नए आए, चौधरी उदयवान तीसरे प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो उन्होंने आते ही दावा किया था कि हम जल्द ही प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कराएंगे और जो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर भी अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा और वो चुनावों से पहले पहले हो जाएगा। चुनावों से पहले का मतलब था कि भई लोकसभा चुनावों से ही पहले हो जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनावों के चलते भी चुनाव नहीं हुए और जब लोकसभा चुनाव भी निपट गए, फिर कहा गया था कि लोकसभा चुनावों के बाद हम हर हालत में संगठनात्मक चुनाव करा देंगे और विधानसभा चुनाव होने से पहले बाकायदा पूरे हरियाणा में पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये न केवल उदयवान जी ने कई बार प्रेस के सामने घोषणा की, बल्कि बावरिया जी जो हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्होंने भी दावा किया कि हमने लिस्ट तैयार कर ली है, हाईकमान को भेज दी है, बस वहाँ से इशारा होने की देर है, जैसे इशारा होगा हम पूरे हरियाणा के अध्यक्षों के, जिलाध्यक्षों के, ब्लॉक प्रमुखों के या हर स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर देंगे हर हाल। लेकिन दोस्तों,
हरियाणा विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और संगठनात्मक चुनाव फिर भी नहीं हुए हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का पलड़ा भारी हर स्तर पर बताया जा रहा है, लेकिन जो बूथ लेवल की कमी है या संगठनात्मक की जो कमी है, ये कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। चूंकि बेशक माहौल कांग्रेस के हक में बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा का कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता एक एक घर से गिन गिन कर एक एक वोटर को बूथ तक लेकर आता है और भाजपा के हक में वोट दिलाने का काम करता है, उस तरीके का संगठन का अभाव कांग्रेस के पास है और इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ सकती है। यदि कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटी, बहुमत में नहीं आई, तो उसमें एक बड़ा कारण संगठनात्मक चुनावों का न होना भी हो सकता है। फिर मैं जो अगले जो मुद्दा है उस पर मैं आ रहा हूँ कि कांग्रेस समर्थक या पूरे हरियाणा की जनता इस बात को लेकर बेचैन है कि कई दिन हो चुके हैं, नामांकन दाखिल होने शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस हाईकमान अभी तक 90 विधानसभाओं पर अपने पूरे उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं कर पाया है। इसके पीछे देरी का जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि एक तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है, यानी कि शैलजा अपने समर्थकों को कई सीटों पर टिकट दिलाने के लिए अड़ी हुई हैं, जितनी सीटें घोषित हुई हैं उसमें उनका उनके हिस्से में या उनके समर्थकों को बहुत कम सीट मिली है, शायद 4 या 5 मिली हैं, लेकिन कुमारी शैलजा इससे संतुष्ट नहीं है और जो बाकी सीटें बची हैं जिनकी घोषणा होनी है 58 सीटों की, उसमें वो चाहती हैं कि न केवल अकेले हुड्डा जी गुट के बल्कि सभी गुटों के, चाहे वो मेरे गुट के हैं चाहे और हमारा जो SRK ग्रुप रहा है, वो जो नेता हैं उनके समर्थकों के भी पूरे टिकट दिए जाएं और उनके हिस्से का टिकट हाईकमान तय करे, सारे के सारे टिकट हुड्डा ग्रुप को न दिए जाएं। इस वजह से भी टिकटों के घोषणा होने में देरी हो रही है। तीसरा कारण जो और बताया जा रहा है कि जो राहुल गांधी ने ये इशारा किया था कि हरियाणा में या आने वाले जो भी विधानसभा के चुनाव हैं इंडिया गठबंधन के बैनर तरह ही लड़े जाएं और सब मिलकर लड़ें और इंडिया गठबंधन की जहां जहां भी जो भी साख है उस हिसाब से उनको टिकट दिया जाए और हरियाणा में भी आपको सपा को और जो अन्य पार्टी हैं वामपंथी पार्टी हैं उनका भी कुछ हिस्सा रखा जाए। अब इस वजह से भी कांग्रेस के टिकटों की घोषणा होने में देरी हो रही है कि अभी तक आप और कांग्रेस ये नहीं तय कर पाए हैं कि आपको कितनी टिकट दी जाए और वो टिकट कौन कौन सी होनी चाहिए। आप नेता जिन सीटों पर दावा कर रहे हैं वो सीट छोड़ने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है और कांग्रेस जितनी सीट आपको देना चाहती है आप उतनी सीटों पर भी मानने को तैयार नहीं हैं। इस वजह से भी घोषणा में देरी हो रही है और जितनी देरी होगी
उतना ही कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कम समय मिलेगा। और देखने की बात ये भी है कि या तो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बात करते नहीं, और करनी थी या की है उन्होंने तो प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को उन पर फूल चढ़ाने चाहिए और ये समझौता पक्का कर लेना चाहिए। यदि अब ये समझौता टूटा और आपके साथ चुनावी गठबंधन नहीं हो सका तो इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि आप जो कोई बड़ी फोर्स हरियाणा में है, कोई बड़ी ताकत हरियाणा में अभी तक आप नहीं बन पाई है, लेकिन उनका संगठन हरियाणा के प्रत्येक जिला स्तर पर है, जो 5,000 से 10,000 तक वोटों का हिसाब रखते हैं। और यदि चुनावी गठबंधन नहीं हुआ तो आपके उम्मीदवार 90 की 90 सीटों पर खड़े हुए तो जो कम मार्जिन की सीटें हैं वो वोट तो कटेगा कांग्रेस का, जो आपको वोट मिलेंगे वो कांग्रेस का ही वोट होगा, और जो आप पार्टी काटेगी जो 5 से 10 हज़ार के बीच में यदि कांग्रेस के उम्मीदवार हारेंगे तो उसमें अब आपके उम्मीदवारों की बड़ी भूमिका हो सकती है, यानी आपसे चुनावी गठबंधन न करना भी कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। हालांकि वामपंथियों की तरफ से कोई शोर शराबा नहीं है, उनको तो एक आध टिकट देने की बात है, वो कांग्रेस दे सकती है, लेकिन आपके साथ पटरी नहीं बैठ रही है। यदि देरी हुई और इनमें समझौता नहीं हुआ तो इस कारण भी कांग्रेस को चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस हाईकमान को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, और जनता के पसंद के ही उम्मीदवारों को, जिताऊ उम्मीदवारों को ही उन्हें टिकट देना चाहिए, सबको राजी करना चाहिए, सारे गुटों को का सम्मान करना चाहिए, और तालमेल के साथ ही चुनावों का वितरण हुआ, सही वितरण हुआ, सभी गुटों को सम्मानजनक टिकट मिले तो निश्चित रूप से कांग्रेस फायदे में रहेगी, वरना जिस तरीके से बवाल टिकट की 67 टिकटों की घोषणा के बाद भाजपा में हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, उस तरीके का विद्रोह कांग्रेस में भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रख कर भी कांग्रेस हाईकमान एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, इसलिए भी उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कई चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं, और इन चुनौतियों का कांग्रेस इन विधानसभा चुनावों में कैसे सामना करेगी, इनसे कैसे पार पाएगी, इन चुनौतियों का पार पा लिया तो कांग्रेस फायदे में रह सकती है, सत्ता में लौट सकती है, और सही तरीके से कांग्रेस हाईकमान इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया तो कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि कांग्रेस के सामने हरियाणा में भी कई चुनौतियां बरकरार हैं और जिनका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। तो देखते रहिए देश रोजाना। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप उस पर कमेंट करके बताएं कि जिन चुनौतियों का मैंने जिक्र किया है क्या आप उनसे सहमत हैं। आप कमेंट्स में ईमानदारी के साथ अपने कमेंट्स लिखें और हमारी गलतियों से, हमारी कमियों से हमें अवगत कराते रहें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।